खबर बांधाजन पर से जामवेरू में केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के द्वारा कस्बे के सभी दुर्गा समिति के अध्यक्षों को सम्मानित करने के साथ साथ नृत्य प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और अगले वर्ष जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए आह्वान किया गया है। मयूर कस्बे पर नवरात्रि में कस्बे पर सभी दुर्गा पंडालों के अध्यक्ष को बुलाकर केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर सभी को सम्मानित किया गया। वहीं दशहरे के दिन बबेर के मुख्य चौराहा पर दुर्गोत्सव समिति के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। वहीं साथ साथ प्रतिभाग करने वाले अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह के द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया जिसमें नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिमांशी नामदेव, द्वितीय स्थान माही कचरे, तृतीय स्थान प्राची भुर्जी को मिला जिसमें तीनों स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी के साथ नगर पुरस्कार दिया गया। साथ साथ केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ब्रजमोहन सिंह लाला केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के प्रबंधक चंद्रमोहन श्रीवास्तव, गुलाब चंद्र उपाध्याय, नरेंद्र अवस्थी, राजेश द्विवेदी, अनिल गर्ग केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष, शिवविलास शर्मा, अरुण अग्रहरी, जयकिशन जैकी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यहाँ पर किस प्रकार का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति बबेरू के द्वारा बबेरू में दुर्गा पंडालों की सभी झांकियों का केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति द्वारा प्रमाण पत्र शील्ड मेमेंटो दे करके सम्मानित किया गया है। जो लगभग दो दर्जन झांकियां बबेरू में स्थापित थी, केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के प्रबंधक चंद्रमोहन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष जयकिशन सेठी, उपाध्यक्ष अमन कुमार साहू और मंत्री विवेक सिंह जी और अपने श्री दुर्गोत्सव समिति चौराहा बबेरू के पदाधिकारियों द्वारा केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति को भी सम्मानित किया गया और सभी झांकियों को सम्मानित किया गया। शिवलाल शर्मा, केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति अध्यक्ष बबेरू। नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी नामदेव है। हाँ, यहाँ पर किस प्रकार की प्रतियोगिता हुई थी, आपको प्रथम स्थान भी आया है, कैसा लग रहा है? जी, यहाँ पर डांस प्रतियोगिता हुई थी और उसमें मेरा प्रथम स्थान आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा प्रथम आना बहुत खुद में एक सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मैं आगे भी ऐसी कोशिश करती जाऊँगी और ऐसे ही नाम रोशन करूँगी। क्या संदेश देना चाहेंगी जो और बच्चियाँ जो है स्थान में नहीं आई हैं? जो भी अन्य है मैं उनको यही कहना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी कि ऐसी कई सारी प्रतिभाएँ हैं जो कि छुपी हुई हैं, तो अपनी प्रतिभाओं को ऐसे छुपाए नहीं, आके यहाँ पे प्रदर्शन करें और अपने अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी नाम है। नाम है आपका? अरुण कुमार अंधेरी। किस प्रकार के यहाँ पर इन पुरस्कार वितरण किया गया है? जी, हम लोग पिछले साल से सोच रहे थे कि क्यों ना अपने एक नगर में नृत्य कला का आयोजन किया जाए। जी, पिछले साल कोविड के कारण हम लोग ये प्रतियोगिता नहीं कर पाए। ट्रायल रूप में अभी हमने नृत्य प्रतियोगिता किया है, एक छोटा सा रिहर्सल के रूप में। अगले साल हम इसको जनपद स्तर पर करेंगे, जहाँ पर तहसील स्तर पर जा जाकर हम लोग, हमारी टीम जाएगी, वहाँ उनका एडिशन लेंगे। इसके बाद जनपद स्तर का एक विशाल मतलब प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा श्री दुर्गोत्सव समिति अद्भुत शिव मंदिर चौराहा बबेरू के तत्वावधान पर, जिसमें हमारे संस्थापक प्रबंधक शिवलाल शर्मा जी के प्रेरणा से हम लोग ये प्रतियोगिता में सफल हुए कार्यक्रम करने में। जी, कौन कौन से लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था? प्रतिभाग बहुत से बच्चों ने किया था, जो कक्षा 4-5 से लेकर के 12वीं तक की छात्राएं थी केवल। जी, जिसमें जेबी सर्विंटर कॉलेज बबेरू, महाराष्ट्र विद्यापीठ, सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे कई विद्यालय उसमें सम्मिलित रहे।